नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण हमने स्टार्ट किया और इसका भाग एक बता दिया है। भाग एक में हम लोगों ने जाना जैव वर्गीकरण के बारे में, जीवों के वर्गीकरण के बारे में और वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में। इससे पहले हमने बताया जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता है क्या? तो पृथ्वी पर बहुत सारी जीवों की जातियाँ ज्ञात हैं। जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी जीवों की जातियाँ खोजी गई हैं वह कितनी हैं, तो लगभग में 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियाँ ज्ञात हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन। और एक जाति में जितने भी सदस्य होते हैं दूसरे जाति के सदस्यों से गुणधर्मों में भिन्न होते हैं, और गुणधर्मों में भिन्नता और समानता के आधार पर समस्त जीवधारियों को अलग अलग समूहों में रखकर के अध्ययन किया जाता है और इसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। और एक जीव जाति का दूसरी जीव जाति से भिन्न होना गुणधर्मों में कहलाता है जैव विविधता। तो इसके बारे में हमने भाग एक में कंप्लीटली जानकारी दे दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो हैं, ज़रूर एक बार देखिए। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, या आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना है और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम जानेंगे वर्गीकरण पद्धतियों को विस्तार से। तो वर्गीकरण पद्धतियाँ में हमने बताया कि सबसे पहली वर्गीकरण पद्धति किसने दिया? अरस्तु ने, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को दो समूहों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक को नाम दिया क्या? तो पादप, और दूसरे को नाम दिया जंतु। दूसरी बात, दूसरी जो पद्धति है वो दो जगत वर्गीकरण पद्धति, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, इसको किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि पृथ्वी पर ज्ञात समस्त जीवधारियों को 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियों को दो जगतों में रख करके अध्ययन किया। एक को जंतु जगत नाम दिया और दूसरे को पादप जगत नाम दिया, लेकिन दो जगतों से ही काम चलने वाला नहीं था। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आरएच व्हिटेकर, इन्होंने सन 1969 में जीवों के लिए पांच जगत वर्गीकरण पद्धति दिया। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति जिसमें कौन कौन से हैं, तो जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये पांच जगत पद्धति उन्होंने दिया। यानी कि समस्त जीवों को पांच जगतों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये पांच जगत। और इसके बारे में हमने जानकारी भाग एक में दे दिया है। अब हम उन्हीं जगतों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला जगत जो है क्या, जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के बारे में हमने एक बात वहाँ पे बताया हुआ था कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। यानी कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिसमें कि सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक पाया जाता है। ये चीज़ें हमने भाग एक में बता दिया है। तो यहाँ पे जो जगत मोनेरा है, जगत मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक। और जगत मोनेरा के ही जीव पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीव माने जाते हैं, सबसे आद्य जीव माने जाते हैं, यानी कि सबसे पुराने जीव जगत मोनेरा के ही है। तब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का अध्ययन जिस जगत में किया जाता है
उसे बोला जाता है जगत मोनेरा, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का अध्ययन जगत मोनेरा के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में आ जाता है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। तो ये ऐसे जीव है जिसमें जो कोशिका पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, और इन्हीं जीवों का अध्ययन जगत मोनेरा में किया जाता है। उम्मीद है कि आपने इतनी चीज़ें जान लिया होगा, सीख लिया होगा और आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जगत मोनेरा के जीवों के सामान्य लक्षण। जगत मोनेरा के जीवों के सामान्य लक्षण समझते चलना है। यहाँ पे कौन कौन से लक्षण हैं जगत मोनेरा के जीवों का। तो सबसे पहली बात कि जगत मोनेरा के जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। बातें समझते चलना है, इनमें सत्य केंद्रक का क्या होता है, तो अभाव होता है। यानी कि इन जीवों की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक का अभाव होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि DNA वो तो पाया जाता है, लेकिन इसको बाहर से ढकने वाला कोशिका कला नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, कोशिका कला नहीं, केंद्रक कला नहीं पाया जाता। और केंद्रक कला की अनुपस्थिति के कारण ही ऐसी कोशिका के केंद्रक को असत्य केंद्रक बोला जाता है, यानी कि इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA मटेरियल डायरेक्ट जीव द्रव्य के कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, किसके, कोशिका द्रव्य के संपर्क में। और यदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में हो तो उसे बोला जाता है केंद्रकाव। क्या चीज, तो केंद्रकाव इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियाइड, केंद्रकाव। और इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, तो न्यूक्लियाइड। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि इन जीवों की कोशिकाओं में सत्य केंद्रक का अभाव होता है। दूसरी बात कि इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट करते चलना है और समझते चलना है। अब ये झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, अंतःद्रवी जालिका, माइटोकांड्रिया अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, गाल्जीकाय आदि। तो ये जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग है इन कोशिका में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, गाल्जीकाय, ये जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं झिल्लीयुक्त कोशिकांग, इसके अंदर भी जीवित रचनाएं होती हैं, यानी कि इनमें भी जैविक क्रियाएँ होती है। और ये झिल्लीयुक्त जो कोशिकांग होते हैं वो जगत मोनेरा के जीवों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या चीज, तो इन कोशिकाओं में द्विकुंडलित गोलाकार नग्न DNA पाया जाता है। क्या चीज, तो इनमें द्विकुंडलित गोलाकार नग्न DNA
पाया जाता है। ध्यान से समझना है, ये जो डीएनए है इसमें द्विकुंडलित गोलाकार नग्न डीएनए होता है। डीएनए दो प्रकार का होता है, एक रेखाकार और दूसरा है वृत्ताकार यानी कि गोलाकार। ये जो रेखाकार डीएनए है इस तरह से होता है, इसके छोर होते हैं 5'-3' और 3'-5'। इसके अपने छोर होते हैं। लेकिन जो वृत्ताकार डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए, इसका कोई भी अपना छोर इंड नहीं होता है। और ये रहा वृत्ताकार डीएनए, और यह डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है यानी कि जगत मोनेरा के जीवों में पाया जाता है। अब बात किया जाए नग्न डीएनए का। नग्न डीएनए क्या मतलब? तो ऐसा डीएनए जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता है। मतलब कि जिस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता उसे नग्न डीएनए बोला जाता है, और जो नग्न डीएनए है वह जगत मोनेरा के जीवों में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जगत मोनेरा के जीवों के ये सामान्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है, और ये समझते चलना है और इसको नोट करते चलना है। पहली बात क्या, इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, डीएनए मटेरियल डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है जिसे केंद्रका यानी कि न्यूक्लियॉइड बोला जाता है। दूसरी बात क्या कि इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग का मतलब क्या, माइटोकांड्रिया, गाल्जी का अंतःद्रवी, जाली का लवक, ये सारे जो है जगत मोनेरा के जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या, इनमें द्विकुंडलित गोलाकार नग्न डीएनए पाया जाता है। नग्न डीएनए का मतलब है कि इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता है। तो अगला हमारा पॉइंट यही होगा कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगली बात क्या, जिस्तो इनमें का मतलब जगत मोनेरा के जीवों में, इनमें हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते, इसका क्या मतलब? तो हिस्टोन प्रोटीन की तो बात यहां पे हो गई, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अब डीएनए तो गुणसूत्र होगा ही, लेकिन गुणसूत्र की संख्या इनमें एक होती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? संख्या में एक होता है। गुणसूत्रों की संख्या में कितना होता है? एक होता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं पाई जाती है। ठीक, इतनी चीज़ें आप समझ लिया। आगे अब हम बढ़ेंगे और भी कुछ इनके विशेषताओं को, गुणों को जानेंगे। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसे नोट करते चलना है। चलिए तो अब हम अगला लक्षण देखेंगे इस जगत के जीवों का। अगला लक्षण क्या होगा इस जगत के जीवों का, यानी कि जगत मोनेरा के जीवों का अगला लक्षण क्या होगा? तो यहाँ पे ये तीन जीव दिखाई दे रहे हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, यही जगत मोनेरा के जीव हैं। तो इसमें माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी जीवों में, जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका मतलब ये है क्या चीज, तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बातें याद रखनी है।
अब माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने के कारण ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, इसलिए बैक्टीरिया से अलग इसका अध्ययन हम करते हैं। कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने, बाकी सभी बैक्टीरिया में, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ये बातें याद रखनी है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की। अब ये दो प्रकार के होते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, एक है नेम और एक है नेग। नेम और नेग, नेम का मतलब क्या, तो एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और नेग का मतलब क्या, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एसिड। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकोन है वो दो प्रकार का होता है, और ये जो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है इन सदस्यों में, और कोशिका भित्ति जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। अगला लक्षण जान लेते हैं, इनमें रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। अगला क्या, इनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं का क्या मतलब, तो ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है। पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं और उसमें बहुत अधिक मात्रा में जल होता है, जल की सांद्रता को ये बनाए रखती हैं, और ये रिक्तिकाएं जगत मोनेरा के जीवों में नहीं पाई जाती हैं। अगली बात क्या कि इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। बात करते हैं राइबोसोम की, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोला जाता है, और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो 70S का राइबोसोम जगत मोनेरा के जीवों में पाया जाता है। ये नहीं है कि 70S का राइबोसोम अन्य जीवों में, जैसे कि यूकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है, लेकिन इसमें 80S राइबोसोम का अभाव होता है, केवल 70S प्रकार का ही राइबोसोम पाया जाता है। अगली बात क्या, तो राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। तो जगत मोनेरा के जीवों की कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे, तो माइटोकांड्रिया में और लवक में, माइटोकांड्रिया और लवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जब आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इतनी चीज़ें आप समझ लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और भी इनके कुछ गुणों को जानेंगे। इतने सारे गुण जगत मोनेरा के जीवों के लक्षण यहाँ पे चल रहे हैं, और ये सभी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते चलना है। अगला अब हम जानेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से हम अगले लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो अगला लक्षण देख लेते हैं क्या चीज़। तो जगत मोनेरा के जीवों में पोषण विधि विविध प्रकार की होती है, यानी कि पोषण विधि में विविधता पाई जाती है। क्या मतलब, इस जगत के जीवों में विविधता पाई जाती है। हाँ, आपको ये बात समझनी है कि जगत मोनेरा के जीवों में जो पोषण विधियां हैं उसमें विविधता पाई जाती है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस जगत के जीवों में पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है।
तो जगत मोनेरा के जीवों में पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, यानी कि इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, तो पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। जगत मोनेरा के सदस्य जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जो कि सहजीवी होते हैं। क्या मतलब? जगत मोनेरा के कुछ जीव, अगला जो इसका लक्षण हो जाएगा, जगत मोनेरा के कुछ जीव सहजीवी होते हैं। बातें याद रखनी है, क्या होते हैं? तो सहजीवी होते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु। अब बात करते हैं सहजीवी का क्या मतलब। जब दो जीव एक साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, हानि न पहुंचाए, तो इस तरह के जीवन को सहजीवन कहा जाता है और ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहा जाता है। और जगत मोनेरा के कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि सहजीवी पोषण या संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ें, जैसे कि दलहनी पौधे, मटर, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में यह जीवाणु पाया जाता है। और ये क्या करता है? वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या मतलब? तो वहाँ पर यह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, जिससे कि पौधा उस यौगिक को पोषण के रूप में, उर्वरक के रूप में ग्रहण करता है और पौधे की जो जड़ है इसे रहने का स्थान देती है, तो दोनों को लाभ पहुँचता है। तो इस तरह के जीवों को बोला जाता है सहजीवी। आगे अगला लक्षण जान लेते हैं क्या चीज़। तो जो जगत मोनेरा के सदस्य है उसमें जनन की बात करेंगे। जनन क्या होता है? अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता सभी जीवों में होती है, अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करते हैं, इसी कारण उस जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है। और ये भी जीव है तो जनन इसमें भी होगा। तो जगत मोनेरा के जीवों में जो जनन पाया जाता है वर्धी जनन और अलैंगिक जनन होता है। वर्धी जनन या अलैंगिक जनन, यानी कि इस जगत के जीव वर्धी जनन या अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, किंतु लैंगिक जनन का अभाव होता है, यानी कि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। जगत मोनेरा के जीवों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, लेकिन ये वर्धी जनन या अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जगत मोनेरा के जो प्रतिकूल वातावरण में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, यानी कि गर्म जल हो, अत्यधिक गर्म जल हो, अति लवणीय क्षेत्र हो, स्थान हो, अम्लीय स्थान हो, दलदली स्थान हो, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जहाँ पे अन्य जीव जीवित नहीं रह सकते, वहाँ पर इस जगत के जीव जीवित रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस जगत का कि प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा इसका क्या चीज़। तो कुछ सदस्य प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र? तो अत्यधिक गर्म स्थानों पर,
अति लवणीय क्षेत्रों में, अति लवणीय क्षेत्रों में, उसके बाद से दलदली स्थानों पर, दलदली स्थानों पर, या अम्लीय स्थानों पर, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उदाहरण में हो जाएगा क्या चीज, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। उदाहरण थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, तो माइकोप्लाज्मा। तो बातों को समझते चलना है, अति प्रतिकूल परिस्थितियों में जहां पे अन्य जीवों का जीवन संभव नहीं है, वहां पर भी इसके कुछ सदस्य जीवित रह सकते हैं। ये विशेषता है किसके, जगत मोनेरा के जीवों के। ठीक, इतनी चीजें आप जान लिए, सामान्य लक्षण इसका हो गया। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से अब हम आगे इन जीवों को एक एक करके पढ़ेंगे, जगत मोनेरा के जीवों को। सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद से आगे की ओर हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का जीवाणु ही है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इस चीज़ को अब हम मिटा रहे हैं और जगत मोनेरा के जीवों में हम अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ करेंगे जीवाणु के बारे में। इसके बारे में तो जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणुओं को दो भागों में रखा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है आर्किबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। जीवाणुओं को दो भागों में रख करके अध्ययन किया जाता है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जो आर्किबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है जो प्रतिकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं, यानी कि ये प्रतिकूल वातावरणीय होते हैं, प्रतिकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं और ये अनुकूल वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसलिए यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, सत्य बैक्टीरिया यही है। कौन, तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया है और ये प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जीवाणु को दो भागों में बांटा गया, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आज के वीडियो में हम आर्किबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, यू बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, आर्किबैक्टीरिया के बारे में। आर्किबैक्टीरिया, इसको आद्य बैक्टीरिया भी बोला जाता है, आद्य बैक्टीरिया, क्योंकि प्रथम जीव यही है। पृथ्वी पर सबसे प्रथम जीव, सबसे पुराने जीव यही है। कौन, आर्किबैक्टीरिया, इसलिए इसको आद्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी कि इसके सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव माने जाते हैं और इसकी कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है। और यही स्थिति है, लिपिड की बनी होने के कारण यह प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रहते हैं, अत्यंत कठिन स्थानों में भी, कठिन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। किसकी बनी होने के कारण कोशिका भित्ति, लिपिड की बनी होने के कारण। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे, इनके सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले
इनके सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव माने जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है। अभी हमने बताया कि लिपिड की बनी होने के कारण ये प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण ये प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित होते हैं। इसी कारण क्या है, ये प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रहते हैं। ये अत्यंत कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अत्यंत कठिन, ये अत्यंत कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको आर्किबैक्टीरिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जंतु हैं, सबसे पहले प्रथम जीव माने जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है और यही जो लिपिड की बनी होने के कारण इन्हें प्रतिकूल वातावरण में भी ये सुरक्षित रखती है। और ये कठिन परिस्थिति वाले, जैसे कि गर्म वातावरण के गर्म जल के झरने, अति लवणीय जल, अम्लीय जल, दलदली क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। अब ये जो आर्किबैक्टीरिया है, इनको तीन मुख्य समूहों में बांटा गया है। आर्किबैक्टीरिया को मुख्य रूप से तीन समूहों में बांटा गया है या रखा गया है। आर्किबैक्टीरिया को मुख्य तीन समूहों में रखा गया है। आर्किबैक्टीरिया को मुख्य रूप से तीन समूह में रखा गया है। पहला है मिथेनोजन। पहला क्या चीज, तो मिथेनोजन। मिथेनोजन, तो ये क्या है मिथेनोजन? आर्किबैक्टीरिया को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मिथेनोजन, तो ये जान लेना है। तो दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले आक्सी जीवाणु है ये, कौन? मिथेनोजन। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले आक्सी जीवाणु है। ये बातें याद रखनी है। मिथेनोजन क्या है, तो दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले आक्सी जीवाणु है। ये CO2 तथा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 तथा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक अम्ल से ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या उत्पन्न करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मीथेन CH4 गैस उत्पन्न करते हैं। और ये जो जीवाणु है, कुछ जंतुओं के रूमेन में यानी कि प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं। ये
कुछ जंतुओं के रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय में किसके रूप में, सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करना है और समझ लेना है कि ये जो मीथेनोजन बैक्टीरिया है ये क्या दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजीवाणु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमेरिक अम्ल को मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पशुओं के प्रथम आमाशय, प्रथम आमाशय जिसे रूमेन कहा जाता है उसमें सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझना है, जैसे कि मिथेनोकोकस है, मिथेनो सारसीना है, मिथेनोकोकस, मिथेनो सारसीना, ये इसके एग्जाम्पल है। मिथेनोकोकस, मिथेनो सारसीना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ जो है आपको ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से हम दूसरा बताएंगे। दूसरा क्या है ध्यान लिया जाए, जिसका नाम है क्या, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स हेलोफिल्स तो हेलोफिल्स क्या है, तो ये बैक्टीरिया अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो अति लवणीय क्षेत्र में। ये चीज याद रखनी है, अति लवणीय क्षेत्र में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, होलोकोकस, होलोबैक्टीरियम, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद से तीसरा हो जाएगा क्या चीज, तो थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा, थर्ड, थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये तीन प्रकार का है, एक को बोला जाता है मिथेनोजन, दूसरे को बोला जाता है होलोफिल्स, तीसरे को बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो गंध युक्त झरनों में पाए जाते हैं। ये गंधयुक्त झरनों में पाए जाते हैं। जहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। जहाँ का तापमान क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। मतलब कि ये बैक्टीरिया ऐसे स्थान पर मिलते हैं जो गंधयुक्त गर्म झरनों, जहाँ पे गर्म झरने बहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्मोप्लाज्मा। हाँ, तो यहाँ पे हमने जगत मोनेरा के बारे में स्टार्ट किया। जगत मोनेरा में हमने कुछ बातें, उसके लक्षणों के बारे में जाना। इसके बाद से जीवाणु के बारे में हमने जाना। जीवाणु को दो भागों में बांटा गया, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया प्रतिकूल वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं और यूबैक्टीरिया
अनुकूल वातावरण में रहने वाले होते हैं। यू बैक्टीरिया ही सत्य बैक्टीरिया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में ये जानकारी दिया। आर्की बैक्टीरिया को तीन भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है क्या मिथेनोजन, दूसरा है होलोफिल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। तो इसके बारे में हमने कम्प्लीट जानकारी दिया। यू बैक्टीरिया के बारे में हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।